हेलो दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम आलू और सेम की सब्जी बनाएंगे। तो सब्जी बनाने के लिए हम सामग्री देख लेते हैं। ये हमने दो छोटे छोटे आलू को, उसके ऊपर के छिलके को इस तरह से थोड़ा सा खुरच लिया है, एकदम अच्छे से नहीं छुड़ाया है, और अच्छे से धोकर काट कर इस तरह से ले लिया है। एक टमाटर काट कर लिया है, एक प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है, लहसुन एक चम्मच हमने इस तरह से पतला पतला काट कर ले लिया है, और एक बड़ा चम्मच अदरक को ग्रेट करके ले लिया है, और दो हरे मिर्च को छोटा छोटा काट कर ले लिया है। मसाले में ये हमने एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, एक छोटा चम्मच पंचफोरन लिया है, दो तेज पत्ता लिया है, चुटकी भर हींग लिया है, और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला लिया है हमने। ये हमने सेम लिया है। सेम को अच्छे से धोकर सुखाकर और इसके ऊपर का इस तरह से धागे को निकाल कर और ऐसे तोड़ कर ले लिया है। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में हमने ये दो चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाला है। अगर आपके पास सरसों का तेल हो तो आप उसको यूज़ करके सब्जी बनाएं, सब्जी इससे बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तेल अब हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम तेज़पत्ता डालेंगे और पंचफोरन को डालेंगे। पंचफोरन को थोड़ा सा चटकने देंगे हम। पंचफोरन अब चटक गया है, इसमें हम हींग डाल देंगे, लहसुन डालेंगे और अदरक को डालेंगे। अदरक लहसुन को हम थोड़ा सा भूनेंगे। अदरक और लहसुन का कलर चेंज हो गया है थोड़ा सा, तो अब हम इसमें हरी मिर्चों को डाल देंगे और साथ ही साथ कटे हुए प्याज को भी डाल देंगे। प्याज को डालकर अब अच्छे से हम इसका कलर चेंज होने तक भून लेंगे। प्याज को भी हमने मीडियम आंच पे लगभग 2 मिनट तक इस तरह से भून लिया है। इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है तो इसमें हम आलू को डाल देंगे अब, और आलूओं को डालकर अच्छे से मिला लेंगे। एक बार आंच को हमने मीडियम ही रखा है, और आलू को अब ढक देंगे और 2 मिनट के बाद इसको हम चलाएंगे। मीडियम आंच पे हमने आलू को 2 मिनट तक ढक के पका लिया है। इसको हम एक बार अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें सेम को भी डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अब सब्जी को हम ढक देंगे और इसको बीच बीच में 1 से 2 मिनट पे चलाते हुए पकाएंगे। सब्जी को हमने 5 मिनट तक मीडियम आंच पर ढककर बीच में 2 बार चलाते हुए पका लिया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। एक बार फिर से ढक देंगे 2 मिनट के लिए। सब्जी में अब हम हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक को डाल देंगे। गरम मसाला हम एकदम लास्ट में डालेंगे। इसको मिला लेंगे। आधा कप हमने पानी लिया है, इसमें हम पानी डाल देंगे। सब्जी को अब हम ढक देंगे। सब्जी को हम ढक कर 5 मिनट तक मीडियम आंच पे पका लेंगे। अब लगभग 5 मिनट हो गए हैं और सब्जी अच्छे से हमारा पक गया है। सब्जी को हम चला लेंगे और इसमें गरम मसाले को डाल देंगे। और सब्जी को बिना ढके 2 मिनट तक इसी तरह से मीडियम आंच पे और पकाएंगे। थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल देंगे। सब्जी एकदम अच्छे से पक चुका है। धनिया का पत्ता डाल के इस पे हम मिक्स कर लेंगे। लीजिए दोस्तों, ये हमारी बहुत ही आसान सी आलू और सेम की सब्जी बनके तैयार है। इसको आप गर्मा गर्म भाकरी के साथ, रोटी के साथ, राइस के साथ या फिर पराठे के साथ इंजॉय करें। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।